यादव की हत्या हुई, तो उस हत्या के तुरंत बाद ही वहाँ पुलिस आई और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ घर पर हमला करती है जिसमें दो लोगों की मौत होती है। तो ये मॉब लिंचिंग है, इसके पीछे भाजपा है, इसके पीछे सत्ता है और इसके पीछे समस्तीपुर का जिला प्रशासन है। इसलिए और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग बिहार को ये मॉब लिंचिंग का हम लोग केंद्र नहीं बनने देंगे और इसमें दोषियों की गिरफ्तारी हो, पीड़िता को न्याय मिले और पीड़ित जो पीड़िता परिवार है, हसनैन साहब का जो परिवार है, बच्चियां काफी डरी हुई हैं, उनको सुरक्षा मिले, इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, सदन में भी आवाज उठेगा। और ये बिल्कुल, ये नीतीश जी तो कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, हम सांप्रदायिकता के साथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल यहाँ एक सांप्रदायिक घटना है, ये मैंने मॉब लिंचिंग है, बिल्कुल मॉब लिंचिंग है और इसमें इसके पीछे बीजेपी है और बीजेपी अभी भी लगी हुई है कि यहाँ पे एक सांप्रदायिक माहौल बने और हम लोग इसको सांप्रदायिक माहौल बनने नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू। ये तो घटना सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में यहाँ 3 घरों को जलाया गया, महिलाओं, बूढ़ों, ये तमाम लोगों पर बर्बर हमले किए गए, बच्चियों पर हमले किए गए। ये प्रत्यक्ष रूप से पुलिस के सामने ये तमाम घटनाएं घटी हैं और पूरे तौर पे जो एक भीड़ को उकसाने वाली एक तरह से कार्रवाई में भी पुलिस की भूमिका यहाँ जांच पड़ताल में आ रही है, लोग ऐसी बात बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग जो तथ्य इकट्ठा किए हुए हैं उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी जांच रिपोर्ट पर हम लोग कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पुलिस की मौजूदगी में घटनाएं हैं और संपूर्ण रूप से जिला प्रशासन इसके लिए दोषी है, एसपी डीएम इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं और जिले के एसपी डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक गिरफ्तारी का नहीं होना, ये मॉब लिंचिंग जैसी घटना है, इसमें गिरफ्तारी का नहीं होना आश्चर्य का विषय है। और हम इस घटना के दोनों पक्ष जो थे उनसे हम लोग मिले हैं और वो सरवन यादव के परिवार से भी हम लोग मिले, ये अनवर जो मृतक हैं उनके अब्बा से भी हम लोग मिले, ये जो उनकी भवे मरी है उनसे भी, जो भवे मरी है उनकी बच्चियों से भी मिले, जो पीड़ित बच्चियां हैं। तो हम उनके दुख के साथ हैं और पूरे तौर पे ये सरकार का एक फेल्योर होना है कि विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और पूरी चीज़ों को सांप्रदायिक एंगल से ये गुलबंद करके प्रशासन के द्वारा, खासतौर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इस घटना को एक तरह से उकसावा दिया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और अविलंब तमाम जो इस घटना के दोषी हैं, जो साजिश करता हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। एसपी डीएम की हम यहाँ से अविलंब यहाँ से ट्रांसफर की मांग करते हैं, क्योंकि एसपी डीएम अगर चाहते तो इस ढंग की घटना जो है वो नहीं होती। माना जा रहा है कि खास पार्टी का दबाव बना है जिस वजह से पुलिस प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, इसको किस एंगल से आप देख रहे हैं? अब देखिए, ये जो बात सामने आ रही है, सत्ता पक्ष है, बीजेपी जदयू की सरकार है, ये भी बात सामने तो साफ साफ आ रही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, भीड़ का एक तरह से उन्होंने उन्मादीकरण किया है और इस घटना को अंजाम दिया है। तो कुल मिला करके सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव तो रहेगा ही और हम समझते हैं कि ये ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि सत्ता का काम है लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, पुलिस प्रशासन को उस रास्ते पर ले जाना कि ज़्यादा से ज़्यादा नियम कानून विधि व्यवस्था तमाम चीज़ें अपनी जगह पर रहें, लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन यहाँ तो बिना सत्ता के संरक्षण के, बिना आपको भाजपा आरएसएस के तमाम दबाव उसके के, ये तो संभव नहीं था कि पुलिस प्रशासन की देखरेख में घटनाएं हुई।